बस आप देख रहे हैं कि प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी गोश्त को। गोश्त मैंने डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूंगी। अभी हम साग को थोड़ा शामिल कर रहे हैं, उतना कि गोश्त में नमक का फ्लेवर आ जाए। इसको मैं इसमें हल्की नीचे दरमियानी आंच है जिससे मैं इसको भून रही हूँ। गोश्त को मैं इसमें तब तक फ्राई करूंगी जब तक ये इस तरह वाइट ना हो जाए सारा घी। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट। इस पॉइंट पे अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करने का मकसद ये है कि इसमें जो गोश्त की हीट है वो ख़त्म हो जाए और इसके मीट में पुलाव के में जो यानी रोटी होगी उसमें इसका अच्छा सा फ्लेवर आए मसाले का। तकरीबन 3 मिनट फ्राई करने के बाद गोश्त वाइट हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लौंग 4 अदद और बादियान का फूल, दालचीनी, जायफल जावित्री अभी हम शामिल नहीं कर रहे, बादियान का फूल, 4 अदर लौंग और छोटी सी दालचीनी की स्टिक मैंने इसमें शामिल की है अभी तक। साथ ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स को शामिल कर दूंगी जो कि मैंने 1 टेबलस्पून ली है। इस रेसिपी को आप गौर से एक एक चीज़ को नोटिस करें क्योंकि इसका एक अलग थोड़ा तरीका है। आप इस सेम तरीके से बनाएंगे तो ही आपका टेस्ट अच्छा बनेगा, वरना आप टिपिकल पुलाव जैसे हम बचपन से खा रहे हैं वही टेस्ट आएगा। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपको इसके टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क और लज्जत महसूस होगी। साथ ही आधी टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा। अब इसमें मैं केटल का गर्म पानी शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 ग्लास। चलिए अब मैं प्रेशर कुकर को प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। इसके साथ ही मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है। चावल मैं इतने बॉईल करूंगी कि उनको आधा कच्चा और आधा बॉईल करेंगे, यानी वो आधी कड़ी कच्ची हो और आधा पका हुआ हो, इतना मैं इसको बॉईल करूंगी। इसके पानी में मैं 1 टीस्पून शामिल करूंगी नमक, 1 हरी मिर्च और हरा धनिया, पुदीना और आधा लहसुन। साथ ही मैं इसमें करी पत्ता आधा शामिल कर दूँगी। पानी बॉयल हो चुका है और इसमें मैंने चावल भी धोए हुए शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको आधा कच्चा आधा पक्का बॉयल दूँगी। ये बस राइस आधे कच्चे आधे बॉयल हो चुके हैं जितना ही चाहिए। आधे कच्चे और आधे उनको बनाने का मकसद ये है, अगर मैं इसको सारा बिरयानी भी लगा दूँगी तो फ्लेवर बिरयानी वाला आएगा, तो मैं इसमें यही ज़्यादा डालूँगी कि मैं इनको आधा कच्चा और आधा पक्का रखूँगी।
चलिए मैं समझो लेते हैं। ये देखिए अभी आधा कच्चा और आधा गल चुका है। चलिए बस आप मैं एक सेपरेट टेकी लूँगी। टीका लीजिए, उसमें मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और साथ में इसमें टमाटर डाल दूँगी, जो कि मैंने 2 बनियान टमाटर कट करके रखी हुई। इस टमाटर की हम एक सॉस तैयार करेंगे। हमें टमाटर को थोड़ा फ्राई करूँगी और थोड़ा सा जब वो गलना शुरू हो गए तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस को मैं स्टार्ट करूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ड्राई फ्रूट भी शामिल कर दूँगी। साथ ही जाएगा हल्दी, जाएगा नमक। नमक का आपने हाथ ख्याल रखना है क्योंकि उस गोश्त में भी हमने नमक डाला था, चावल बॉयल करते हुए भी डाला है, उस सॉस में भी नमक जाएगा। इसलिए आपने नमक को ज़रा हाथ खींच के रखना है ताकि आपका खाना हराम ना हो जाए। टमाटर गलत हो गए और जायफल जोड़ती की उसको बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। इसी सॉस में सोया सॉस ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं चाहे तो नहीं। मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। काली मिर्च शामिल करके इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। आंच बिल्कुल स्लो करके हम टमाटर को गला लेंगे जब तक पानी गर्म ना हो जाए। प्रेशर कुकर का प्रेशर मैंने खोला है और अब इस सॉस में मैं गोश्त को शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं गोश्त तकरीबन गल चुका है। मटन को मैं उसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जो सॉस हमने तैयार की थी मैं उसमें मटन को डाल के भून रही हूँ। मटन को मैंने अच्छी तरह भून लिया है व्यूअर्स, और अब ये जो यखनी है मैं इसमें शामिल करूँगी। चलिए इसमें जो यखनी हमने निकाली थी वो इसमें डालने के बाद बॉयल आ चुका है, इसमें मैं शामिल करूँगी राइस। राइस डाल के हम मिक्स करेंगे। आँच स्लो कर देंगे, उतनी जितनी दम के लिए हम रखते हैं। और साथ ही मैं इसमें दम भी शामिल करूँगी पुदीना और हरा धनिया, हरी मिर्च और लेमन। तकरीबन 15 मिनट का दम मैंने इस पर लगा दिया है, तो 15 मिनट के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब हम दम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स करूँगी। पहले मैं चेक करूँगी कि जी पुलाव मैंने डिश आउट कर दिया है,